दिन हो गए आज कितने? मैम 37 37 डेज। ठीक है, अभी कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं हुई मैम कोई। नी बेंड करके दिखाओ एक बार। वेट मैम, नी बेंडिंग इज इक्वल, लाइक दोनों पैर का नी बेंडिंग इक्वल है, बराबर है? तो यस मैम बराबर मैम, थोड़ा रह जाता बिल्कुल माइनर सा। 37 डेज हो गए, कंप्लीट कर लो। ओके ठीक है, दोनों पैर का नी बेंडिंग बराबर होना चाहिए। और एक्सटेंशन कैसा है? दोनों पैर बराबर सीधे होते हैं, यस स्ट्रेट? मैम, एक बार मुझे ऐसे ऊपर से दिखाइए, फोन का बैक कैमरा ऑन करके। लेफ्ट ऑपरेटेड है आपका? हेलो, यस मैम, यस मैम, लेफ्ट लेफ्ट, आइसिंग कर रहे हो अभी? यस मैम कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइजेस क्या क्या चल रही है बताइए एक बार। आपने प्रशांत एशियन विनर पे पोस्ट नहीं किया एक्सरसाइजेस? मैम पोस्ट किया था मैम, आपने बस शायद वो नहीं किया है मैम, मैं पोस्ट कर चुका हूँ। मुझे आपका कोई वीडियो नहीं दिखा प्रशांत, उधर अप्रूव करने के लिए। कोई मैम पोस्ट किया था मैंने, उसी दिन पोस्ट कर दिया था। बात नहीं, अभी मुझे बता दीजिए क्या क्या कर रहे हो आप। ओके मैम, करके बताऊं मैम। ओके हाँ, यस मैम, ऑपरेटेड लेग पीछे, ऑपरेटेड लेग आगे और नॉन ऑपरेटेड पीछे से। करके दिखा दीजिए एक बार। वेट, देखा हाँ, प्रशांत की तरफ से थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। अभी आप सीढ़ियां चढ़ोगे तो अच्छा वाला पैर पहले, फिर उस पे ऑपरेटेड लेग। मैम, उतरते वक्त वैसे ऑपरेट, चढ़ता हूँ, वैसे हाँ उतरते वक्त चढ़ता हूँ। अपोजिट करना है। ठीक है, मैम अभी मुझे सिट टू स्टैंड करके दिखा दीजिए फिर। प्रशांत, दोनों लेग्स को थोड़ा सा पास में रखो, थोड़ा सा, पंजे बाहर नहीं निकलने। बस ठीक है, ठीक है। अभी घुटनों को टो की तरफ पुश करो, घुटने को पुश करो टो की तरफ और नीचे बैठो। यस मैम, घुटने को टो की तरफ पुश करते हुए नीचे बैठना है। ठीक है, करके ओके दिखाइए। अफेक्टेड लेग आगे है और नॉन अफेक्टेड पीछे। ठीक है प्रशांत, आप देखो ओके, आप अच्छे वाले पैर पे ज्यादा लोड डाल रहे हो। दोनों पैर पे इक्वल वेट लेके सीधा सीधा बैठो, शिफ्ट हो रहे हो आप दूसरी साइड। नीचे अभी भी टेढ़ा जा रहा। दोनों पैर पे इक्वल लोड लो और नीचे आ जाओ। 1 8 ज्यादा कम है तो एक और पिलो रख लो आप। वेट मैम एक तरफ भाग रहा है। ओके एक और पिलो रखो। ना कंफर्टेबल? दोनों लेग्स पे फिर भी कोशिश मैम, करो, दोनों लेग्स पे इक्वल वेट डाल के 10 रिपीटेशन, 2 सेट्स ऑफ सिट टू स्टैंड, ऑपरेटेड लेग फॉरवर्ड। ठीक है, ट्वाइस नेक्स्ट क्या कर रहे हो? अ डे मैम। हाँ, एक्सरसाइजेस सारे दिन में 2 बार। नेक्स्ट यस एक्सरसाइज मैम, हाफ ब्रिज, करके दिखा दीजिए एक बार। हाफ ब्रिज पे 30 सेकंड होल्ड। करके दिखाओ एक बार। वेट मैम, ठीक है प्रशांत, अभी अच्छे वाले पैर को ऊपर हवा में उठा लो। पहले दोनों लेग से ऊपर आओ, दोनों लेग्स पे वेट डाल के ग्लूट्स को टाइट करो, ऊपर उठाइए। अच्छे वाले लेग को ऊपर उठा लीजिए हवा में। हाँ जी, ऐसे की पन्नी 90 डिग्री बेंड एंड देन स्लो स्लो कम डाउन। ठीक
है, वापस से दोनों लेग्स इक्वल रखिए, दोनों पैर पे आपको वजन डाल के ऊपर आना है, ठीक है। हिप को टाइट करते हुए हिप को ऊपर उठाइए, और अभी ऑपरेटेड लेग पे पूरा वेट डाल के आ जाना है, नॉन ऑपरेटेड लेग ऊपर, धीरे धीरे नीचे आओ। डबल लेग से अप एंड सिंगल लेग से डाउन, 10 रिपीटेशन 2 सेट्स ऑफ रिपीटेशन ब्रिजिंग, ठीक है। 20 रेप्स ट्वाइस, 2 सेट्स हाँ 20 रेप्स ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैम। हाँ सेकेंड होल्ड करता हूँ मैं। ठीक है। अभी लेग को कंप्लीट स्ट्रेट कर लो, पूरा सीधा कर लो। हाँ पूरा ऊपर उठा लो लेग को, और ऊपर सीधा कर लीजिए लेग स्ट्रेट। बैक स्ट्रेट, नी टच में होना चाहिए अच्छे। लेग स्ट्रेट, होल्ड, 1 2 3 4 5, और धीरे धीरे नीचे लेकर आओ। एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बस कितनी कितनी रिपीटेशंस? टेन रेप्स करके दिखा दीजिए अभी। ओके मैम। मैम अच्छे वाले पैर से पहले ऊपर उठाना है। अच्छे वाले पैर की स्ट्रेंथ से इसको ऊपर लेकर आओ। सर्जरी वाले पैर का स्ट्रेंथ यूज नहीं करना, इस पैर की स्ट्रेंथ से पूरा सीधा करो, हो गया मैम। ठीक है। अभी धीरे धीरे वापस लेके जाओ, धीरे धीरे, स्लो स्लो वापस लेकर जाओ। ठीक है, फिर से वापस से कंटिन्यू कीजिए। बैक स्ट्रेट, होल्ड करो इधर 10 काउंट, लेग स्ट्रेट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 डिग्री नीचे लेकर आओ। बस इधर होल्ड करो 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 डिग्री और नीचे लेकर आइए। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस लेकर आओ। ये कंटिन्यू करेंगे 10 रेप्स, ठीक है। ऐसे ओके मैम। अभी जैसे ये सेकंड रिपीटेशन था, ऐसे 8 बार और करोगे तो 10 रेप्स टोटल। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या कर रहे हो आप? नेक्स्ट मैम अभी आपको वॉल की तरफ फेस करके खड़े हो जाना है, और स्लो स्लो हील रेज करना है। वॉल की तरफ में खड़े हो जाइए। हाँ वाह। अभी हाथ दीवार पे रख लो, जैसे वॉल पुशअप करते हैं वैसे रख लीजिए। स्लो स्लो हील रेज करिए, ग्राउंड से ऊपर एड़ी को ऊपर उठाओ, धीरे धीरे। नॉन ऑपरेटिव दोनों पैर एक साथ, पैर की उंगलियों पर आना है, पंजे पर आना है, एड़ी को ऊपर उठाना है। ओके स्लो स्लो हील रेज एंड स्लो स्लो डाउन। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए इसको। स्लो स्लो हील रेज, स्लो स्लो हील डाउन। 10 रिपीटेशन 2 सेट्स ऑफ हील रेजेस,
फिफ्थ एक्सरसाइज की मैंने आपको वीडियो शेयर की, एक बार देखिए और मुझे करके दिखा दीजिए। ओके स्ट्रेट ओके एंड देन कम बैक अगेन, ऑपरेटेड लेग स्ट्रेट एंड देन कम बैक। ओके मैम। वीडियो बना के मेरे को शेयर करना, ठीक है? आप और मैम एक क्वेश्चन है मैम, पूछिए। मैम अभी पैर पतला बहुत दिखता है अभी दूसरे जिसका दूसरे के हाथ कंपेयर पूरा में। हाथ पतला है क्योंकि मसल्स आपकी बहुत वीक है। और ये चोट यस कितना मैम। पुराना था आपका, सर्जरी से कितना पुराना चोट था? मैम 20 डेज। अच्छा, सर्जरी से पहले भी एक पैर मोटा पतला था आपका, यस मैम। तो टाइम लगेगा धीरे धीरे। जैसे अभी तो स्टार्ट किया, अभी आपने रेंज कंप्लीट किया, धीरे धीरे जैसे ताकत वाली एक्सरसाइज करोगे तो धीरे धीरे वापस बराबर हो जाएगा। ओके मैम, ठीक है प्रशांत। ये मैम रिकॉर्ड हुआ है मैम, ये क्या कह रहे हैं? मैम ये जो मीटिंग हुई है रिकॉर्ड हुई है। यस हाँ जी, आपको चाहिए ये, तो मैम वीडियो चाहिए मैम। मैं अभी YouTube पे पोस्ट कर दूंगी इसी विनर पे, आप उधर से रिव्यू कर लेना, ठीक है? ओके मैम, ओके प्रशांत, टेक केयर। थैंक यू मैम।